के टॉर्चर की करेंगे। बात सबसे पहले राजधानी पटना की करते हैं, क्योंकि पटना के साथ साथ पूरे बिहार की अगर बात करें तो यहां पर मौसम की दोहरी मार से लोग परेशान हैं। धुंध और कोहरे की वजह से परेशानी बढ़ गई है। आपको बता दें कि बिहार में पछुआ हवा की गति काफी तेज है। रविवार को राज्य के 18 शहरों की अगर बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राज्य का अधिकांश हिस्सा जो है वहां घना कोहरा है और ऐसे पूर्व अनुमान भी है कि अभी छाया भी रहेगा। पटना में रविवार को अधिकतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रहा। पटना के साथ साथ अन्य विभागों में अगर अन्य भागों की बात करें तो घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आने के साथ साथ ठंड में वृद्धि होने की संभावना है। रविवार को पटना के साथ 18 शहरों के न्यूनतम तापमान में कमी आने से ठंड का असर बना रहा। बिहार में पछुआ हवा की जो गति है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है, जिससे बिहार के कई जिलों में जो ठंड है उसमें बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले आप तस्वीर में देखिए कि सुबह से ही राजधानी पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में जो कुहासा है वो छाया हुआ है। रविवार को राज्य के 16 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगर हम आज की बात करें तो राज्य के अधिकांश भागों में घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। पटना समेत अन्य भागों में घना कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आने के साथ ही ठंड में वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में जिस तरह से पछुआ हवा की गति जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है, जिसके कारण जो ठंड है वो काफ़ी बढ़ गया है। जो लोग हैं वो अपने घरों से भी अब कम निकल रहे हैं। पटना से जी मीडिया के लिए शिवम। तो बिहार में ठंड का कहर जारी है तो बांका में भी हल्की बारिश और पछुआ हवाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। घने कोहरे के कारण लोग घरों में दुपकने को मजबूर हो चुके हैं। वहीं पर पुलिस यहां पर अपनी ड्यूटी तो कर ही रही है, इसी के साथ साथ कई और काम करते हुए नजर आई। ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर प्रशासन जो है लगातार मुस्तैद। धान डंगाते हैं। क्या काम करते हैं? गृहस्थी करते हैं। ठंडी से मैं बुढ़े हो गया, धान डंगा पाते हैं। आग ताप 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 के धान डंगाते हैं। सरकारी अलाव लकड़ी उकड़ी नहीं मिलता है? नहीं जी, कुछ नहीं दिया है। कम्बल देना कपड़ा नहीं है। बेगूसराय में ठंड से लोगों का जीना मुहाल है। पिछले 10 दिनों की अगर बात करें तो ठंड ने परेशानी बढ़ा दी है। घने कोहरे के कारण सड़कों पर रफ्तार थम सी गई है। दिन में भी लाइट जलाकर गाड़ी चलाने को लोग मजबूर हैं। इस कड़ाके की ठंड और पछुआ हवा के साथ कनकनी भी लोगों को सताती है। बेगूसराय में लगातार कपकपाती ठंड ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। इस ठंड से लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, जैसे तैसे जलावन जलाकर अपने आप को गर्म करने को मजबूर है। इस वक्त तो मैं तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि बेगूसराय के ये नगर निगम चौक है, देख सकते हैं आज घने कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण से लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही आज घने कोहरा है, जिसके कारण से लोग परेशान हो गए हैं। और इस ठंड से बचने के लिए आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि देख सकते हैं किस तरह से इस ठंड से बचने के लिए लोग जलावन को अपने स्तर से एकत्रित कर उजला कर सेवन करने को मजबूर। क्या करें, जैसे बहुत ठंडा लगे रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई व्यवस्था नहीं है। कागज कोरा लेके सब लगाता है, आग लगाता है, किसी तरह से अपना टाइम पास करता है। ठंडा तो बहुत बढ़ गया है, देखिए रहे हैं हम लोग आग लगा के वही सेहत को गर्म करना चाह रहे हैं। ज्यादा ठंड है, कुहरा भी है। कुहरा भी है। ठंड से बचने के लिए किस तरह से लकड़ी एकत्रित? वही आग जमा करके कार्टून वगैरह लहरा रहे हैं। ठंड तो बहुत है, एकदम बहुत पड़ रहा है ठंड। उसके बाद नगर निगम की तरफ से भी कोई मतलब व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया है
कि आगजली का जो सामान होता था लकड़ी वगैरह हर जगह पर मतलब कि मिलता था, लेकिन इस बार कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग अपना जो होता है मतलब पेपर ऊपर से अपना आग का व्यवस्था करके अपना ठंडी को मतलब कि कर रहे हैं। ठंड बढ़ गई तो की करब हो, ठंड बढ़ल तब ने मतलब ये राग अति कागज उगज जला रही है ताप रही है। अभी कहाँ कुछ हो मिलता है, लेट सेट मिलता है, मिलवे करते। लोग लगातार इस ठंड से परेशान हो रहे हैं, ऐसे में नगर निगम से लोगों के द्वारा मांग है कि चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था करें ताकि इस ठंड से लोग बच सके। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। और इसी के साथ खबर बिहार में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।